This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम, बिजनेस लंच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महनूर अली। नाज़रीन, बिजनेस लंच में आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सिनेमा की, और पाकिस्तानी सिनेमा में ख़ास तौर से ये कि जब हम ये देखते हैं कि एक टाइम था, कहते हैं कि अब से 50 साल पहले पाकिस्तानी सिनेमा जो था वो अपने उरूज पर था। 100-100 फिल्में बनती थी, और ख़ुद हमारे शहर में भी 100 से ज़्यादा ही कहते हैं कि सिनेमा थे। मगर एक वो दौर आया जब ना सिनेमा घर रहे और ना ही फिल्में रहीं। उसके बाद यकीनन अगर हम कहें और सिनेमा को देखना चाहें तो क्रेडिट जो जाता है वो हमारे उन मॉल्स को जाता है जहाँ पे हम शॉपिंग भी करते हैं, और जिन्होंने यूरोप और कहना चाहिए कि इंडिया की तर्ज पर जो हैं वो सिनेमास मुतारिफ कराए हैं, और इसके साथ साथ जो हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लेकर आए हैं। तो उन्हीं में से एक हमारे यहाँ कराची में ओशन मॉल भी है, जहाँ पे जिसका सिनेमा सिनेपैक्स है, जहाँ पे आप जाते रहते हैं और जानते हैं कि किस तरह की वो स्क्रीन्स फराहम कर रहा है आपको, किस तरह उन्होंने जो है सिनेमा को आपके सामने लाकर खड़ा किया है। हमारे मेहमान जो हैं उनका ताल्लुक भी उसी से, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी आपसे। हमारे साथ मौजूद हैं हाशिम रज़ा, CEO हैं सिनेपैक्स के, इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि सिनेपैक्स का ख्याल इस मॉल में किसको और कब और किस तरह आया, और ये कब से उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशिम, कैसे हैं आप? अस्सलाम मानूर, हाउ आर यू? आई एम गुड। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, वेलकम करते हैं आपको। और हाशिम, पहले भी एक बार आपसे मुलाकात हो चुकी है इसी हवाले से, और मैं आपसे अभी प्रोग्राम से पहले ही पूछ रही थी कि आपको कितना अर्सा हो गया और ये आइडिया कब, किसको और कैसे आया। आपने मुझे तो बताया, लेकिन हमारे नाज़रीन को भी बताइए। जी, थैंक यू वेरी मच मानूर। Cinema is a very interesting industry in Pakistan. उन industries में से एक है जो एक time पे उरूज पे रह चुकी हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नीचे आई। मैं जवाल पजीर फिर भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कर्व होता है, एक दफ़ा बहुत ऊँचा हो जाता है, फिर जो ऊँची चीज़ जाती है उसने नीचे भी आना होता है। इसलिए नहीं कि वो बिल्कुल मदफन हो जाए, बल्कि इसलिए कि दोबारा री इमर्ज हो के रिसर्जेंट बन के दोबारा निकले। सो अभी पाकिस्तान में दोबारा फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी स्टेज से गुजर रही है जहाँ पे हम सब के पास अपॉर्चुनिटी है, ऑडियंस के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो सराहें और अप्रिशिएट करें जो एफर्ट हो रही है, और इंडस्ट्री के पास इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें और जल्दी से जल्दी ग्रो करें। आपने सिनेपैक्स के बारे में पूछा, सो सिनेपैक्स के फाउंडर्स हैं आरिफ बेग मोहम्मद और पीर साद, ये दोनों हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में साथ थे, और वहाँ पे उन्होंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान में मॉडर्न सिनेमा को मुतारिफ कराया जाए। और ये कहानी शुरू हुई 2005 में। उस वक्त सारे सिनेमास को तोड़ के मॉल बनाए जा रहे थे। सो इन लोगों ने पैसे रेस किए, काफ़ी चैलेंजेस का सामना किया, गवर्नमेंट के भी इंटरनल और एक्सटर्नल सारे चैलेंजेस का, और यहाँ पे आके एक ट्रूली अमेरिकन बुनियाद पे एक प्रोफेशनल सिनेमा कंपनी पुट टुगेदर की। अब वो जो सिनेमा कंपनी है, राइट नाउ वी आर गोइंग टू मेक अराउंड 150 स्क्रीन्स, 150 स्क्रीनों का विजन है हमारा अगले 4 साल में बनाने का, जिसमें से 28 ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं 11 शहरों में पाकिस्तान में, बाकी 47 स्क्रीन्स आर बीइंग बिल्ट एज वी स्पीक। सो बड़ी मेहनत का काम है, और आप लोगों की ऑडियंस की सपोर्ट के बगैर ये काम नहीं हो सकता, लेकिन इससे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, और जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे आगे भी बात करेंगे चल के, इससे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पे इतना मस्बित असर पड़ा है कि हमारी सोच से ज़्यादा यही जो अभी आप कह रहे थे कि मैं तो ये नहीं कहूँगा कि जवाल आया, लेकिन एक वक्त ये जो आया, क्योंकि मेरा कोई इतना तजर्बा नहीं, कुछ मेरे बड़ों से ही मैंने ये सुना था कि भाई जब मैं मुझे पता चला कि 100-100 सिनेमास थे और इतने ही फिल्में बनती थी, तो मेरे लिए हैरान कुन थी ये बात कि क्या वाकई ऐसा था। और फिर याद आया कि हाँ वाकई ऐसा था कि हम जब वो शान या रीमा की मूवीज देखते तो कहते थे वो पंजाबी भी मूवीज़ करते थे, पश्तो मूवीज़ भी करते थे, लाइक इतनी मूवीज बनती थी मुख्तलिफ ज़बानों में, ये हकीकत है। ये बिल्कुल सही बात है। हर महीने नई फिल्में आ रही होती थी, और एंटरटेनमेंट पश्तो में, और ईद तो खासूसन ईद के लिए मूवीज जो हैं उनका इंतजार होता था, ये फला मूवी जो ईद पे ही रिलीज होगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और लेकिन ये अच्छी बात है कि अब दोबारा हम उस रविश की तरफ जा रहे हैं, और दोबारा उस कल्चर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपने फिल्मों का नाम लिया कि इतनी सारी फिल्में बन रही थी। सो
ऑडियंस की बेटरमेंट के लिए सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दूंगा कि पिछले 3 साल में भी, पिछले 4 साल में भी, फॉर एग्जांपल अगर आप 2013 की बात करें तो 3-4 फिल्में बनी 2013 में, 2014 में वही नंबर 8 तक पहुंच गया, 2015 में वही नंबर 15 तक पहुंच गया, और 16 में 26 फिल्में बनी. सो अभी एज वी स्पीक 47 फिल्म आर बींग मेड. सो ये जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ चल रही है ये सिर्फ सिनेमाज की वजह से यहाँ तक अमल में आई है. और यकीनन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सिनेमाज जब आए तो मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म मेकर्स को भी ख्याल आया कि अगर ये सिनेमाज हमें स्क्रीन फराहम की जा रही हैं और इस तर्ज के जो बाहर की तर्ज के सिनेमाज हैं, और लोगों को भी सबसे बड़ी सहूलत यही हुई कि हाँ हम फैमिली जाके जो है ये मूवी जो है वो देख सकती है किसी भी टाइप की लगे. और सबसे बड़ी बात है, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, क्राउड कितना जो है उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं पाकिस्तानी मूवीज़, ये आपसे मुझे सच सच जानना है क्योंकि आपका हर वक्त का ताल्लुक है, आप उधर बैठे हुए हैं, आपकी मीटिंग्स होती हैं, आपकी प्लानिंग्स होती हैं, बाकायदा प्लानर्स बनते होंगे कौन सी मूवीज़ को कहाँ और कहाँ जाके सेट करना है और इसको लाना चाहिए या नहीं, क्या कहेंगे, थोड़ा हमें इस तरीके भी बताएं क्या है. अच्छा, अगेन ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सारी जो बिजनेस मॉडल है वो वन वे और दी अदर, वेदर वी लाइक इट और नॉट, ऑडियंस के लिए है, मतलब अवाम के लिए है कि वो आएँ और वो उससे मुस्तफीद हों और उससे महजूज हों और अप्रिशिएट करें, जिससे हमें भी ये अंदाज़ा हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं. सो सिनेमास का पाकिस्तानी फिल्मों का ये अगेन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. शुरू में एंटरटेनमेंट हमें इस बात का पसंद आए या ना आए, लेकिन इंडियन फिल्मों ने ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया पाकिस्तान में. अच्छा, जिसकी वजह से इधर मुझे आपकी बात सॉरी कट करनी पड़ी है, मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा लोगों को बता देते हैं, जिस तरह मुझे पता चला था अभी मैं कह रही थी कि 1971 में 400 सिनेमास इन ऑल ऑफ पाकिस्तान, और हैरान कौन बात है ये, और इन 1970 114 फिल्म्स हैड बीन प्रोड्यूस्ड इन द ईस्टर्न विंग ऑफ द कंट्री. बिल्कुल हकीकत है ये फिर, यानी कि इसमें गलत कहीं नहीं है, ये तो मैंने अपने बड़ों से सुना था लेकिन ये हकीकत मेरे सामने पेपर पे रखी मुझे नजर आई है. तो वाकई अब मैं समझती हूँ, जितना आपने कहा 48 तक, 49-48 आपने भी इस साल में तकरीबन 47 मूवीज आ गई हैं. तो ये अल्लाह करे आगे आते जाते तक हमें इस सुनने को मिले कि 100 तक फिर क्रॉस कर गए. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. हां, मैं ये आपसे पूछ रही हूं, क्राउड को कितना अपनी तरफ लेकर आती है पाकिस्तानी मूवीज, या क्या? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी फिल्म का एक अट्रैक्शन का एलिमेंट होता है. अब आप वो एलिमेंट को आप 10% रखते हैं, 20% रखते हैं या 30% रखते हैं, वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. लेकिन सबसे पहले तो जब मैं अगर आपसे पूछूं कि मानूर आप फिल्म देखने क्यों जाती हैं, तो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, कि आप मुझे बताएं आप क्यों जाती हैं फिल्म देखने. मैं तो बस इसलिए जाती हूं कि मैं जाऊं तो कोई डिप्रेशन का शिकार ना हूं, देयर यू गो, और मैं वापस आऊं तो मुझे खुशी हो कि हाँ मैंने अपने जो 2.5 घंटे लगाए हैं वो अच्छा लगा मुझे, और आके मैं फ्रेश फील करूँ. लेकिन मैं आपसे अभी प्रोग्राम से पहले यही कह रही थी ना कि पता नहीं क्यों हाशिम, मुझे लगता है कि मैं जब भी कोई पाकिस्तानी मूवी देखने जाती हूँ, जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे लगता है या मैं उसके दौरान ही डिप्रेशन का शिकार हो जाती हूँ. अगर मैं उस मूवी का बात करूँ जवानी फिर नहीं आनी, और हमेशा मैं जिक्र करती हूँ उसका, वो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट थी. मेरे ख्याल से इस तरह की मूवीज होनी चाहिए जो आपको डिप्रेशन ना दें. मैंने आपका सवाल बिल्कुल इसीलिए किया कि बेसिकली आप एंटरटेनमेंट के लिए जाती हैं, ठीक है, आपको सरदर्द नहीं चाहिए. आपको ये नहीं चाहिए कि मेरे पैसे क्यों जाया हो गए, ये मैंने क्यों देख ली, ये टाइम भी जाया हुआ, पैसे भी जाया हुए, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कब बेहतर होगी, बस यार ये हाफ मूवी हो, ये इससे बेहतर पूरी हो. और ऐसी बहुत सी मूवीज आई है अभी बीच में. जी 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 बिल्कुल. अच्छा, अब बेसिकली बात बिल्कुल वही है कि पाकिस्तानी फिल्म अभी तक मेरे ख्याल में वो एंटरटेनमेंट नहीं फराहम कर सकी जो एंटरटेनमेंट अवाम देखना चाहती है और जो जानना चाहती है सिनेमा में. इंडियन फिल्म, और मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि इंडियन फिल्म इसलिए नहीं कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है या इधर का मुल्क है, जिस तरह हॉलीवुड फिल्म से हम सर्टन एंटरटेनमेंट लेते हैं, लेकिन हॉलीवुड की एंटरटेनमेंट फिर भी आपके 100% ऑफ द अवाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि आपके सारे लोग इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है. सो लैंग्वेज का बड़ा फ़र्क है. लेकिन बॉलीवुड जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी कल्चर, उसकी लैंग्वेज आपके साथ इतनी मिलती है कि उसकी एंटरटेनमेंट आप डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं यहाँ पे. अच्छा, उसकी वजह से एक बॉलीवुड फिल्म की एंटरटेनमेंट का जो लेवल है वो बिल्कुल फर्क है. सो अगर आप एक बॉलीवुड की फिल्म लगाएं और उसके साथ पाकिस्तानी फिल्म लगाएं, सो आप ये रियलाइज करेंगे कि पाकिस्तानी फिल्म भी बॉलीवुड की फिल्म की वजह से उसकी अटेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है.
सो ये मैं मिसाल आपको देता हूँ, ये मैं आपसे पूछने लगी थी कि ये कैसे आप, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पिछली ईद पे बिन रोए फिल्म आई, आपने भी बिन रोए का जिक्र किया, बहुत अच्छी फिल्म थी पाकिस्तान की बनी हुई, साथ एक बजरंगी भाईजान इंडियन फिल्म थी, Exactly. वो भी साथ आई, दोनों एक टाइम पे आए। अब कुछ लोगों का ख्याल होगा कि शायद बजरंगी भाईजान के आने से बिन रोए की सेल्स इफेक्ट हो गई, असल में जो क्राउड आया, जब आप घर में प्लान करते हैं फिल्म देखने का ईद वाले दिन, ईद थी छोटी ईद, तो आप इसेंशियली पहले तो ये सोचते हैं कि फिल्म देखेंगे, दूसरे मेन आइडिया होता है एक इवनिंग आउट का, एक एंटरटेनमेंट इवनिंग आउट फॉर द फैमिली। तो जब आप बाहर जाते हैं और आप कहते हैं अच्छा ये फिल्म फुल मिल रही है, तो पाकिस्तानी आई हुई ये देख लेते हैं, सो बेसिकली यू गेट अ गुड एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट, यू बेसिकली गेट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट। और अभी हमने ये रियलाइज किया कि अब इस साल 26 फिल्में आई हैं, बीच में कुछ टाइम ऐसा भी था जिसमें इंडियन फिल्में नई एग्जिबिट हो रही थी, सो उसमें आपने देखा कि क्राउड्स कम हो गए। मुझे आपसे इस बारे में भी पूछना है, पाकिस्तानी फिल्म इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपसे करना है, आप बीच में अभी इस बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी ये करना है आपसे कि आपने अभी मुझे उस बात का जवाब हाशिम ने हमें नहीं दिया है, और वो जवाब यही उन्होंने देना है कि भाई नहीं इतना नहीं है, जब इंडियन के साथ पाकिस्तानी मूवी लगती है तो फिर वो इस तरह नहीं आएगा। लेकिन अभी मुझे हाशिम से ये पूछना है कि हाशिम क्या आप ये बता सकते हैं कि जिन दिनों अभी पूरे विंटर, ये हम इस वक्त हमने जो थोड़ा सा एनालिसिस किया था उस पर यही था कि पूरे विंटर में हमें इंडियन मूवीज देखने को नहीं मिली, और अभी उसका दोबारा से इस वक्त हम इसे वेलकम कर रहे हैं बॉलीवुड को यहाँ पे, तो क्या कहेंगे कितना फ़र्क पड़ा बिजनेस पे सिनेमा के, कितने परसेंट? और आपने अभी मेरे उस सवाल का भी जवाब नहीं दिया जिससे मैंने आपसे पूछा था कि क्या प्रोसेस होता है आप लोगों का, क्या माइंडसेट होता है, किस तरह कौन सी मूवी को कब लाना है, या किसको कौन सा सिनेमा जो है, क्या सारे सिनेमा एक साथ, बहुत सारे सवाल हो गए ये तो, जी जी। पहले चलें आप जवाब देने। सो वन बाय वन करते हैं। देखिए अगर आप सिर्फ नंबर्स पे ही जाएं, सो हॉलीवुड की तकरीबन एक साल में 650 से 700 फिल्में रिलीज होती हैं। हॉलीवुड जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि उसमें काफ़ी एडल्ट कंटेंट भी होता है, काफ़ी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट होता है वायलेंस की तरफ से भी और सेक्सुअल कंटेंट की वजह से भी, सो वो आप नहीं दिखा सकते। सो इस तरह स्क्रीन होती होती उन 700 में से बिल्कुल ही 100 फिल्में तकरीबन 150 रह जाती हैं जो आप दिखा सकते हैं, फिर वो भी मैस ऑडियंस को अपील नहीं करती लैंग्वेज की वजह से। सो एक तो हॉलीवुड का कॉन्टेंट हो गया, उसके बाद इंडियन फिल्में भी तकरीबन आजकल 650 से 700 एक साल में बन रही हैं। सो अगर आप सिर्फ नंबर्स पे कंपेयर करें, सो पिछले साल में 26 फिल्में जहां पे पाकिस्तानी बनी हैं, वहां पे 650 इंडियन बनी है और 700 हॉलीवुड की बनी है। सो अगर आप इन तीनों को नंबर्स पे कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं आ रहा। एक तरफ 1400 फॉरेन कंटेंट है जिसमें हॉलीवुड बॉलीवुड सारी शामिल हो गई, दूसरी तरफ 26 पाकिस्तानी फिल्में हैं जो कि लेस देन 3% है। अच्छा अब अगर आप सिर्फ उस तरह लगाएं, सो उस तरह भी नंबर्स का बड़ा फ़र्क है, लेकिन अगर आप मुझसे एज अ सिनेमा ओनर पूछ रहे हैं कि जो फ्रॉम एवरी वॉक इन कस्टमर व्हाट वाज द नंबर जो कि इंडियन कंटेंट के लिए आता था वर्सेस वो जो कि पाकिस्तानी या हॉलीवुड कंटेंट के लिए आया, सो वो नंबर तकरीबन 40 से 45% था। सो अगर आपने अचानक इंडियन कंटेंट को ब्लॉक कर दिया और बंद कर दिया, सो आपने वो 40 से 45 वॉक इन कस्टमर थे, या तो आप उनको ऑल्टरनेट इक्वल क्वालिटी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें, अगर आप वो प्रोवाइड नहीं कर रहे तो फिर उस कस्टमर को दोबारा वापस लाना मुश्किल है। हालांकि आपने उस टाइम पे दोबारा फिलर्स डाले, कोई हॉलीवुड की फिल्में डाल दी, पाकिस्तानी फिल्में डाल दी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो कस्टमर क्या इतना फील करेगा नीड अर्ज एंटरटेनमेंट की कि वो दोबारा उसी टाइम पे वो देखने आएगा। सो वो नंबर एक्चुअली कम हो गए, और वो जो मैं 40 से 45 बता रहा हूँ उससे कम होके तकरीबन 20 से 25% रह गए जो कि कस्टमर्स आए। सो सिग्निफिकेंटली इस इंडस्ट्री को उससे नुकसान हुआ। तो इस इंडस्ट्री ने फिर अभी जिस तरह आपने कहा कि आप लोग इतनी स्क्रीन्स ला रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, और अभी आगे 4 साल में और मजीद प्लानिंग है, तो उस वक्त क्या आप लोगों की कभी ख्याल आया पूरे आपके मैनेजमेंट को कि नहीं अभी स्क्रीन्स पे नहीं मजीद लानी चाहिए, अभी रुक जाना चाहिए? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए एज अ बिजनेस पर्सन, जिस तरह आई एम अ मैनेजर एंड आई एम एंड माय बैकग्राउंड इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वॉल स्ट्रीट एंड फाइनेंस, सो आई ऑलवेज लुक एट नंबर्स। सो व्हेन आई लुक एट नंबर्स, सो द बिगेस्ट रिस्क फॉर सिनेमा इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा रिस्क है सिनेमा इंडस्ट्री के लिए वो है ही
some sort of ban on foreign content. It's not about Hindustan ka content, Hollywood ka content, koi bhi foreign content. Dekhiye, media jo hai, media should be beyond borders. Uska borders wo nahi hona chahiye. Ye to hum kehte hain na. लेकिन हमारे यहाँ जब हम उस पर आ जाते हैं, अगर हम सियासी उससे देखें, पॉलिटिक्स की तरफ चले जाएं, तो कुछ और ही रुख इख्तियार कर लिया है इसने। ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन अगेन, सो न्यूमेरिकली स्पीकिंग, आपके लिए बिजनेस मॉडल वो अट्रैक्टिव उतना नहीं रहेगा। अच्छा हो, मैं तो ये समझता हूँ कि पब्लिक सर्विस है पाकिस्तान में एट दिस टाइम, दिस इज पब्लिक सर्विस, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब अभी अगर स्टार्ट से इसका जिक्र करें, जब ये सिनेमाज नहीं थे मॉल्स में, तो हम जैसी मेरे ख्याल से क्राउड तो कतन सिनेमाज का रुख नहीं करता था। एब्सोल्युटली, आप लोग रोज तीन तीन खाने खाते थे कि वो पेट हमारे डबल हो गए थे और और कोई एंटरटेनमेंट है नहीं। फिर आप सोचते हैं अच्छा जिम जाना शुरू कर दें, तो एक तरफ खाना खा रहे हैं, दूसरी तरफ जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो अगेन, हेल्दी एंटरटेनमेंट एज सच नहीं थी। सो सिनेमा को मैं समझता हूँ कि अनलाइक लॉट ऑफ अदर कंट्रीज जहाँ पे बार्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, इस तरह की चीज़ें, वो पाकिस्तान में नहीं है। सो पाकिस्तान में हेल्दी एंटरटेनमेंट जब सिनेमा आया, सो मैं समझता हूँ कि इसीलिए कि ये पब्लिक सर्विस की मिसाल। तो हाशिम, इसको हम इस वक्त क्या मान लें कि पाकिस्तानी सिनेमा जो है कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंडियन, क्या कहना चाहिए, मूवीज या उनका जो मवाद है उसके बगैर नहीं? अच्छा, आपका ये आपने जो ये जो सेंटेंस है ना आपका, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है कि मतलब नहीं, जो है ना, बड़े अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल लपेट दिया था कि चाहे फॉरेन कंटेंट की बात आपने ले गए थे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इंडियन कॉन्टेंट नहीं, मैं आपको इसलिए आज मैं आपको बताऊँ, आज से एक महीने पहले से अगर आप किसी भी सिनेमा की साइट पर जाएं और आने वाली मूवीज का देखें, तो उसमें लाजमन इंडिया की ये दो मूवीज जो थी, एक काबिल और रईस, उसका बहुत जिक्र था, हर कोई कह रहा था बस आने वाली कमिंग सून। क्यों? क्या ऑडियंस को, जाहिर बात है, लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कि वो सिनेमाज की तरफ आना शुरू करें और दोबारा से उसी तरह से सिनेमाज मूवीज, क्या इससे नहीं मानेंगे आप ये बात? अच्छा नहीं, देखिए मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं शायद इसको थोड़ा सा रिवर्ट कर दूं। आई एग्री विद यू, बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रिवर्ट कि सर्वाइवल तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है और चलती रहेगी, माशाल्लाह अच्छी फिल्में चल रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में फॉरेन इंडस्ट्री, बेशक वो हॉलीवुड हो या इंडियन कंटेंट हो, उससे आपकी इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन होने में और इस रिवाइवल को एक्सेलरेट होने में, तेजी करने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी, और उसके बगैर यही चीज काफी स्लो हो जाएगी। सही सही, कुछ लोग इसके मुखालफत भी अभी तक कर रहे हैं, और जब ये करते हैं तो जाहिर बात है सिनेमा मालिकान को बहुत कुछ सोचना पड़ता होगा, और क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, ये मैं आपसे जानूंगी। और एक चीज़ और मुझे ये भी पूछना है कि अगर हम कराची में ये चार पांच जो बड़े बड़े मॉल्स हैं जिसमें सिनेमाज हैं, क्या जब कोई मूवी आती है तो क्या आपस में इनकी भी कोऑर्डिनेशन होती है, या ये भी होता है कि नहीं ये सिनेमा ये मूवी ला रहा है तो वो नहीं लगा रहा, तो क्या इससे भी कुछ वैल्यू या कुछ किस्म चीज़ें हैं, ये मैं सब आपसे जानती हूँ। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए वापस और बात हो रही है पाकिस्तानी सिनेमा की, और पाकिस्तानी सिनेमा में क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए या और किस चीज़ की ज़रूरत है पाकिस्तानी मूवीज़ के साथ साथ, ये हमें बता रहे हैं हाशिम रज़ा। और हाशिम से मैं पूछ रही थी ब्रेक से पहले, कहते हैं कि इसकी मुखालफत भी बहुत की जाती है सिनेमाज में लगने वाली मूवीज़ की, इसकी तो क्या, और ब्रेक से पहले शायद ये भी मैंने पूछा था कि तमाम जितने भी सिनेमाज हैं उनके आपस में इतना कोऑर्डिनेशन है कि वो कोई मूवी लेके आ रहे हैं तो कहते हैं नहीं हाँ ठीक है ये मूवी आ रही है तो हम सब इसको वेलकम करेंगे। एक मिनट लेता हूँ जरा आपको वैल्यू चेन बताने में, कि जब आप फिल्म देखती हैं, जिस तरह आपने कहा कि आपने आखिरी फिल्म देखी थी कौन सी, सुल्तान सही, तो या जंगल बुक शायद। अच्छा हाँ, सो बाय द टाइम आपने सिनेमा हॉल में वो फिल्म एक्चुअली देखी, वहाँ तक पहुँचने में उस फिल्म कहाँ कहाँ से गुजरी, सो देर आर थ्री मेजर प्लेयर्स इन द वैल्यू चेन। आखिरी प्लेयर जो आप, जिससे आपका वास्ता होता है, वो है एग्जिबिटर, जिसको आप सिनेमा हाउस कहते हैं, पिक्चर हाउस कहते हैं, सिनेमा हाउस, वो एग्जिबिटर है, जहाँ पे आप कुर्सी पे बैठ के कहते हैं कुर्सी ठीक नहीं है, पॉपकॉर्न ठीक नहीं है, ये वो एग्जिबिटर है। अच्छा, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो कि प्रोड्यूसर से फिल्म लेता है और एग्जिबिटर को ला के देता है, और उससे पहले आ गया प्रोड्यूसर जो कि फिल्म बनाता है। अच्छा, सो ये तीन मेजर वो हैं।
अब ये डिसीशन सिनेमा एग्जीबिटर का नहीं है कि कौन सी फिल्म आ रही है और कौन सी नहीं आ रही, उसका तो काम ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर ने लाके उसे फिल्म दी उसने वो चला दी। अब ऑडियंस ने अगर पसंद की तो उसके शो बढ़ा दिए, अगर ऑडियंस ने पसंद नहीं की तो उसके शो आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। सो ये बड़ा सिंपल मैथ है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर का ये काम है कि वो देखता है कि मैंने कौन सी फिल्म लानी है। 700 अगर हॉलीवुड की रिलीज हुई है तो 700 में से उसको 50 लानी चाहिए, 100 लानी चाहिए, और कौन सी लानी चाहिए, कौन सी चलेगी, कौन सी उसका वैल्यू ऑफ मनी। कोई इसमें रोल नहीं है सिनेमा का, इसमें काम है वो डिस्ट्रीब्यूटर ले आता। तो सिनेमा मैनेजमेंट ये नहीं देखती कि आया ये मूवी इस काबिल है कि हाँ ये बिजनेस करेगी या नहीं, या डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको सारा ही गाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको फिल्म दे देता है। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल केस स्टडी बताऊं कि एक टाइम पे अगर आज के दिन मुझे 3 इंडियन फिल्में दे दी हैं, 2 हॉलीवुड की दे दी हैं और 2 पाकिस्तानी दे दी हैं, सो मैं टाइमिंग्स एडजस्ट करके और उन सबको स्केड्यूल में डाल दूंगा। अब अगर आज होना ये चाहिए कि अगर आज ऑडियंस हॉलीवुड की फिल्म में 100% आए, इंडियन फिल्म में 50% आए और पाकिस्तानी फिल्म में 80% आए, उस हिसाब से मैं शोज ब्रेक डाउन कर दूंगा कि अच्छा अगर हॉलीवुड में 100% आए तो कल मैं उसको ज्यादा शोज दूंगा ताकि ऑडियंस को एडजस्ट किया जा सके, उनकी एपिटाइट को, उनके शौक को एडजस्ट किया जा सके। पाकिस्तानी को उस हिसाब से कम कर दूंगा और इंडियन को बिल्कुल कम कर दूंगा उनका इंटरेस्ट देखते हुए। जिस तरह जब आपने अभी आपने एक फिल्म का नाम लिया पाकिस्तानी, जवानी फिर नहीं आनी, आपने कहा बड़ी अच्छी फिल्म थी, बड़ी एंटरटेनिंग थी, जब वो आई तो हमने सारी स्क्रीनों पे सिर्फ जवानी फिर नहीं आनी चलाई क्योंकि ऑडियंस की डिमांड इतनी थी, वो आके बार बार देखते थे और हम उसमें खुश होते थे और हमने उसको सपोर्ट किया और वो आगे 3-4 महीने तक चलती रही। कौन सी ऐसी मूवी है, चले हमने एक ऐसी मूवी जिसको आपने सपोर्ट किया और ऑडियंस आती थी, बार बार देखने को दिल चाहता था, मैं ये आज मैं खुद भी कहती हूँ अगर वो अभी भी लगे तो शायद मैं फिर एक बार बड़ी स्क्रीन पे देखने जाऊँ और उसका मजा ही अलग है बड़ी स्क्रीन पे देखने का। तो अभी ऐसी कौन सी मूवी जो आपने देखा कि क्राउड अगर आया भी है तो 10 मिनट या आधे घंटे तक बर्दाश्त किया और वो निकल के चला गया, ऐसा भी तो देखा होगा आपने पाकिस्तानी मूवीज में, नाम लें। हाँ बिल्कुल, इससे पहले कि मैं उस फिल्म के नाम लूँ, पहले उन फिल्मों के नाम लेते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में किसी किस्म की हिस्ट्री बनाई है। जिस तरह सईद नूर साहब की चूड़ियाँ थी, उस वक्त ये नया सिनेमा आ चुका था और उसने हिस्ट्री बनाई, बहुत लंबी चली। उसके बाद बोल आई, फिर खुदा के लिए आई, इन फिल्मों ने एक्चुअली पाकिस्तान में सिनेमा ओनर्स को एनकरेज किया कि आप सिनेमा बनाएं, यहाँ पे इसकी नीड है। बोल 6 महीने तक चलती रही, लोग फैमिलीज जो कभी जिंदगी में सिनेमा नहीं गए, जिन्होंने कभी फिल्म नहीं देखी, उन्होंने आके बोल देखी, खुदा के लिए इस तरह बहुत लोगों ने देखी और उससे हम लोग अप्रिशिएट हुए कि दिस इज अ ग्रेट इंडस्ट्री टू बी इन एंड वी शुड इन्वेस्ट इन दिस। उसके बाद वार आई, उसके बाद जवानी फिर नहीं आनी आई, हर फिल्म ने पुराने बार को हाइस कर दिया और रीसेट कर दिया। अच्छा, इसी तरह देखिए, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आप हर वक्त कामयाब नहीं हो सकते। एप्पल वाले स्टीव जॉब्स को देख लें, बिल गेट्स को देख लें, ये 100 दफा नाकाम हुए। बहुत अच्छा बोलते हैं हाशिम आप ना, और जिस तरीके से आप इसको कवर करते करते आ रहे हैं ना, आप नाकाम, मैं बस कह रही थी आप ऐसे बस नाम ले लें, मुझे भी पता चले क्योंकि मैं भूल रही हूँ उसका नाम, मुझे किसी ने बताया कि बस नहीं चल रहा था, जैसे भी जेंडर के लिए मैंने आपसे कहा कि हुआ कि मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि बस दिल चला था उठ के आधी मूवीज में, बस क्यों पैसे जाया करते नहीं, कुछ चैलेंज नहीं, मैं समझता हूँ कि कुछ चैलेंजिंग फिल्में भी थी, लेकिन बड़ी अच्छी फिल्में, काफी डेवलपिंग फिल्में आई। अभी सलूट आई, अभी साये खुदाए जुलजलाल आई, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी सपोर्टिव फिल्में थी, हमने रिलीज की इनको, हम ISPR से लाए, हमने इनको रिलीज की डॉक्टर तौसीफ साहब के साथ जिन्होंने बड़ी मेहनत से फिल्म बनाई। मालिक पहले आई थी, इनको हमने रिलीज़ किया और माशाल्लाह ऑडियंस ने पसंद भी किया, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी बीच में मालिक की आ गई थी, काफ़ी अर्से तक वो लगी थी उसके बाद फिर दोबारा, लेकिन उसे फिर सिनेमा फिर दोबारा वो हो गया। सो ये स्टेप्स और चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन इनके साथ साथ मेरे ख्याल में जो एक खुशाइंद बात है, जिस तरह मैं आपको फिर बता रहा था कि कहाँ पिछले साल में 2-3 फिल्में बनती रही हैं 2013 में 2012 में और इस साल 26 फिल्में बनी है, जो है उनको पाकिस्तानी सिनेमा को फायदा ही हुआ है। अच्छा, और इस पे और ऐसी फिल्में बनी है जैसे हुसैन शाह जो हमारा बॉक्सर था गोल्ड मेडलिस्ट, उस पे फिल्म बनी, सो पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी हाईलाइट किया जा रहा है, जो एक बड़ी बड़ी खुशाइन बात है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई टिकट बहुत महंगे हैं और मजीद महंगे होते चले जा रहे हैं, आज से अगर हम 5 साल पहले जब आपने स्टार्ट लिया था आप कहते हैं उसका और आज का मुआवजा करें तो क्या कहेंगे? आपने बड़ी दिलचस्प बात की, मैं अभी इस दफ़ा जब सिनेमपैक्स को ज्वाइन करने आया हूँ तो मैं यूएस, इससे पहले मैं अमेरिका में रह रहा था,
सो आई वाज देयर फॉर 15 इयर्स और वॉल स्ट्रीट पे था. उससे पहले जब मैं गया हूँ तो रोटी 2 रुपए की थी. जब मैं वापस आया हूँ अभी अगले दिन मैंने रोगनी नान ऑर्डर किया तो 50 रुपए का. सो मैंने कहा यार 50 रुपए का तो पहले सिनेमा का टिकट होता था, अब रोगनी नान 50 रुपए का हो गया. सो देखिए एक तो जनरल बात यह कि महंगाई ओवरऑल. अच्छा अब दूसरी, अगर एक नान 50 रुपए तक चला गया है जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है दिन में 3 दफा खाना है, अगर 1000 रुपए का आपका टिकट है मूवी का, हाँ, तो कोई लेकिन मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ. नहीं नहीं मैं पॉइंट बता रहा हूँ. सो जो सिनेमा का टिकट पहले 50 रुपए का होता था, अब हमारा कम से कम टिकट अभी भी 250-300, मतलब बेस्ड ऑन डिफरेंट डेमोग्राफिक्स ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट सिटीज 250 रुपए का टिकट मिलता है. जिस तरह कराची में एक हमारा ओशन टावर है जो क्लिफ्टन साइड पे है, एक फेडरल बी एरिया में है सिटी ऑडिटोरियम के नाम से, सिनेपैक्स सिटी ऑडिटोरियम, वहां पे वीकडेज में प्रमोशनल टिकट 250 रुपए का. सो मतलब हमने हर किस्म के आवाम को वो केटर करने की कोशिश की है, लेकिन हमें ये बात इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि जिस तरह अभी मैंने आपको बोला कि मैं 47 स्क्रीन्स बना रहा हूँ अभी. सो और पाकिस्तान में अभी पूरी तकरीबन 72 स्क्रीन्स हैं. सो अगर मैं 47 और नई बना रहा हूँ एज वी स्पीक, अभी भी मैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा सिनेमा प्लेयर हूँ विद 28 ऑपरेशनल स्क्रीन्स. सो अगर मैं 47 नई बना रहा हूँ तो उसके लिए मुझे सरमाया दरकार है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दरकार है. सो आई नीड सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न ऑन दैट. और अब क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि वो रिटर्न 50 रुपये 100 रुपये 100-200 रुपये के टिकट में अनफॉर्चुनेटली मुझे अंदाज़ा है कि ये अभी तक आम पब्लिक जो बेयर मिनिमम मैसेज वाली पब्लिक है उसको एड्रेस नहीं कर रहा, लेकिन ये उसको अभी तक फाइनेंशियल वाइज इट डजंट मेक सेंस. इस चीज़ से मुझे ऐसे ख्याल आया, आप जब ये बात करें तो बस कहते हैं ना कि आप दम से बात से आपके बाद निकलती है, तो फिर क्या ये मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर हम जिस तरह केबल्स पे देखते हैं कि इंडियन मवाद आजकल तो बंद है, हो सकता है उस पर भी जो है उसका पाबंदी ख़त्म हो जाए, जब वही मूवी जो सिनेमा में लगती है और कुछ दिन के बाद बाज़ दफ़ा तो केबल ऑपरेटर जो है उसको वेरी नेक्स्ट डे जो है उसे वो लगा देते हैं, तो उससे सिनेमा के बिज़नेस को क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बहुत सारे लोग देख लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमें पायरेटेड चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए. सही. क्योंकि जो बंदा मेहनत कर रहा है, अगर आप सिंगर हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं और आप मेहनत करके अपना क्वालिटी कंटेंट खुद क्रिएट कर रहे हैं, यू वुडंट वांट समबडी टू चीट ऑन दैट, और वो एक नकल कॉपी करके ऑनलाइन चढ़ा दे, डीवीडी बना दे, वो पायरेसी है. बिल्कुल, अक्सर नजर आता है वो सिनेमा के ही प्रिंट होते हैं और वो बस बनी हुई होती है वहीं से वीडियो, वो लोगों के सर भी नजर आ रहे होते हैं क्योंकि सर नीचे कर तस्वीर ठीक नहीं आ रही, ऐसा भी होता है, लोग कह के मार रहे होते हैं. मैं सोचता हूं कि अच्छा फिल्म में क्या क्या है ये, लेकिन नहीं, ये तो दिस वाज जस्ट ऑन द लाइटर टोन. हां नहीं, वी शुड अदरवाइज डिस्करेज पायरेसी, क्योंकि जब पायरेसी देखें डिक्रीज होगी ना और उसके बाद हमारी जैसी कंपनियां एनकरेज होंगी और इस बिजनेस को ज्यादा बड़ा करेंगी, तभी एक लेवल ऐसा आएगा जब हम सब्सिडाइज कर सकेंगे टिकट्स को और उस लेवल पे ला सकेंगे कि आम आदमी भी देख सके. अगर पायरेसी चलती रहेगी, अगर कोई ना कोई बैक रूट चलता रहेगा, सो फिर वी वुड नॉट बी एबल टू गेट. यहाँ से लोग ये भी तो सोच सकते हैं ना कि हो सकता है कि जब ये सब हो तो फिर आप लोग कहें कि हम ही तो सब कुछ है, तो अब हमें लोगों को आना पड़ेगा, चाहे हम इतना ये टिकट रखें या क्या. ये बिल्कुल माइंडसेट हो सकता है, क्योंकि देखिए इंसान तो हर किस्म है ना, बिल्कुल बिजनेस हर किस्म, तो इसी तरीके से इंसान हर किस्म का है. लेकिन जिस तरह अभी भी जिस तरह हमारे अभी हर शहर के टिकट्स की प्राइसिंग डिफरेंट है, गुजरांवाला की प्राइसिंग बिल्कुल डिफरेंट है, 200 रुपए का भी टिकट है गुजरांवाला में, यहाँ पे भी जिस तरह मैंने बोला उसकी भी प्राइसिंग डिफरेंट है, एट द सेम टाइम क्लिफ्टन की प्राइसिंग डिफरेंट है, उसमें 1000 रुपए का भी प्लेटिनम का टिकट है. सो ये जो कंपनीज जनरली टू बी सक्सेसफुल, देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ कमर्शियल चीज करेंगे ना, सो वो कभी ना कभी अवाम को अंदाजा हो जाएगा और अवाम उसमें आपको अप्रिशिएट नहीं करेगी. लेकिन अगर आप अवाम के लिए कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रहे हैं, जिस तरह सिनेपैक्स एज अ कंपनी हम हर महीने शोहदा की फैमिलीज के लिए फ्री शो, डेफ एसोसिएशन के लिए फ्री शोज, मुख्तलिफ स्पेशल ओलंपिक्स के लिए फ्री शोज, बच्चों के लिए फ्री शोज, SOS विलेज के लिए फ्री शोज, ये हम कर रहे होते हैं. अभी हमने हैदराबाद का सिनेमा खोला है, बुलेवार्ड मॉल हैदराबाद में, बेहतरीन सिनेमा है, 5 स्क्रीनों वाला सिनेमा, उसमें उसको हमने इनॉग्रेट ही SOS विलेज, लोकल SOS विलेज थी उससे कराया, वो सारे बच्चे आए,
और उन्होंने इनॉग्रेट किया. सो मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी एलिमेंट. हाशिम, एक चीज़ और, जब आपने स्क्रीन्स का जिक्र किया है ना, तो मुझे ये पूछना है आपसे, जो हम देखते हैं कि ए बी सी डी सिनेमास के जो कैटेगरीज रखी जाती हैं, स्क्रीन्स का क्या उसमें साइजेस का सिर्फ डिफरेंस होता है, क्वालिटी का भी फर्क होता है? जनरली जो सारी टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज हैं, जिस तरह हम तो हम स्क्रीन में क्वालिटी में डिफरेंशिएट नहीं करते. okay. ना हम डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं, वो छोटी स्क्रीन है या बड़ी स्क्रीन है. छोटी हो बड़ी हो, उसमें प्रोजेक्टर एक ही किस्म का होगा, ऑडियो वीडियो सारी क्वालिटी एक जैसी होगी. उसमें सिर्फ साइजिंग के हिसाब से देखें, आपने महसूस किया होगा कि जिस इरा की आप बात कर रही हैं 70s की, जब पाकिस्तान में इतने सिनेमास थे और इतनी फिल्में रिलीज होती थी, उस वक्त सिनेमा हॉल का साइज भी बहुत बड़ा था. मतलब 600 सीटर, 700 अभी का याद पड़ता है, जब ARY ने मूवीज जो है वो दिखाना शुरू की और उन्होंने फिर लोगों को सिनेमा की तरफ लेके आया, तो ये सदर में एक सिनेमा है आई थिंक, जहाँ पे उन्होंने वो कोई ये दिल आपका हुआ एक कैप्री, ये लोगों को दिखाई और लोगों को बुलाया, तो वाकई वो सिनेमा बहुत ह्यूज थे. अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि दिन में अगर आपके 5 शोज हैं और एक सुबह का शो है जो 12 बजे चल रहा है, जिसमें स्कूल भी खुल रहे हैं, खुले हुए हैं, सो आप 850 लोगों के लिए वही फिल्म चला रहे हैं, जबकि आप बैठे हुए सिर्फ 4 लोग हैं, 5 लोग हैं. सो आपकी एनर्जी का बिल, आपका बिजली का बिल, आपकी कॉस्ट, आपकी सारी चीज, फिर वो कॉस्ट आप उन लोगों से ले लेते हैं दूसरे? वो तो नहीं ले सकते कि वो टिकट को 500 से 5000 नहीं कर सकते. क्या करते हैं? नहीं, लेकिन तो इसीलिए इसी की वजह से ये मल्टी स्क्रीन मल्टीप्लेक्स. सबसे ज्यादा किस टाइम पे मूवी जो है वो बिजनेस करती है, दिन का कौन सा, इवनिंग टाइमिंग्स या लेट नाइट? इस सवाल का जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस टाइम फिल्म देखने जाती हैं? मुझे तो खैर इवनिंग ही सूट करता है, जाहिर बात है. किस टाइम? तो इवनिंग में भी क्या टाइम? इवनिंग में आफ्टर 6. देयर यू गो. नहीं मिला कि बकायदा ऐसा लगता था मैं घर के लाउंज में बैठी मूवी देख रही हूँ. उसकी सीट्स ऐसी हैं, यानी कि 2-सीटर होता है. जी जी. आप जाएं इस तरह बैठे जैसे आप अपने लाउंज में बैठे हुए, और उसमें सबसे ज्यादा शो चलता था वो रात 11 बजे वाला, उसमें सब फैमिलीज आती थी. देखिए मैं आपके ऑडियंस को भी बताऊंगा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अभी ये ओशन टावर का आपने नाम लिया, यहाँ पे ओशन मॉल है जिसमें हमारा एक सिनेमा है. सो उसमें आई वुड इनवाइट ऑल द ऑडियंस टू कम. उसके रिक्लाइनर्स बिल्कुल ऐसे हैं कि आप, हम आपको कंबल भी देते हैं, सो प्लश ब्लैंकेट आप ऊपर ले लें, और हॉट एंड वेट टिश्यू आपको पहले मिलेगा. वो कौन सा? वही प्लैटिनियम है, क्या है, गोल्ड है? प्लैटिनम क्लास. और आपको आपकी रिक्लाइनर के साथ ही टेबल लगी हुई है, जिस टेबल पे आपको अपने सीट से खाना भी आप ऑर्डर करेंगे. सो बिल्कुल आपको ऐसे ही माहौल देंगे जैसे कि आप घर में. बिल्कुल सही. तो ये बड़ी अच्छी चीज है, मैं समझती हूँ. अच्छा, दूसरी एक और चीज है, जितना अभी आपने और आपने खुद मुझसे पूछ लिया कि भाई किस कौन सी टाइमिंग सूट करती है, और हकीकत है ज्यादातर लोग इवनिंग. Exactly. सही कह रहे हैं. होता है कि चलो अगर वीकेंड, और वीकेंड पे सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता होगा सिनेमा में कि कौन सी मूवी को कहाँ रखा जाए. जी जी. ये चीज तो होगी प्लानिंग के. देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये ख्याल हमें नहीं रखना चाहिए. मतलब एज एन इंटरनेशनल कंपनी, एज समबडी हु हैज इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस, मैं आके अपनी टीम को भी ये बोलता हूँ कि ये ख्याल आप ऑडियंस से पूछें कि अगर ऑडियंस को ये वाली फिल्म पसंद है और ये वो वीकेंड पे देखना चाहते हैं, सो आप वही फिल्म लगाएं, क्योंकि हम तो ऑडियंस को. हाशिम, सवाल बहुत ज्यादा है, और लेकिन मुझे आपसे ये अभी पूछना है कि एक तो ये कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ, उसमें आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ की कमी है जो आपको लगता है कि जिसे वाकई इन्हें फौरी तौर पे इनको फोकस करना चाहिए? मैं समझता हूँ टीम वर्क. हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है पहले लाहौर बेस्ड थी, जो पुरानी फिल्म इंडस्ट्री थी उसमें लाहौर में बहुत टैलेंट था, अभी भी बहुत टैलेंट है और लाहौर के प्रोडक्शन हाउसेस, लेकिन बेसिकली फोकस ज्यादा लाहौर पे था और ड्रामा इंडस्ट्री का फोकस कराची में था. अब कराची बेस्ड फिल्म इंडस्ट्री अप एंड कमिंग है, बड़ी अच्छी उभर के आई है, सारी जो नई फिल्में हैं ये ज्यादातर कराची प्रोड्यूसर्स ने बनाई हैं. सो मैं समझता हूँ कि सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, लाहौर कराची, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि हम सबका इंटरेस्ट एक है, हम सबका गोल एक है, ऑब्जेक्टिव एक है, और हम लोग सारे एक ही मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो सब मिलके करेंगे तो आवाम के लिए भी बेहतर होगा और मुल्क के लिए भी, इट वुड बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. सही. एक चीज और के इस वक्त अगर हम सिनेमास की बात करें, सिनेमा स्क्रीन्स की बात करें, हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी सिनेमा की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन मॉल्स में उन स्क्रीन्स की बात करें, या अभी जिस तरह आप लोग और मजीद अपनी स्क्रीन्स लेके आ रहे हैं, इस वक्त इन स्क्रीन्स को लाते हुए सबसे मेन जो चैलेंज है वो आप लोग क्या फेस कर रहे हैं,
वो, और कितना आप लोग समझते हैं कि मुल्की मईशत में मजीद तरक्की का किरदार आप लोग अदा करेंगे? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सिनेमा इंडस्ट्री वैसे भी एक क्वेश्चन मार्क है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में शायद इसकी ऐसी इजाज़त नहीं है जैसे और किसी और एंटरटेनमेंट की हो। सो काफ़ी वो भी थोड़ा बहुत आपको वो होता है, इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे लोगों को अंदाज़ा है कि ये एंटरटेनमेंट ऑप्शन हेल्दी है। दूसरा, ये एक्सेस टू फॉरेन कंटेंट जब बैन हो जाता है या इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है, सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं समझता हूँ कि विदस्टैंडिंग ऑल ऑफ दैट, इन सारी चीज़ों के बावजूद ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत पॉजिटिव प्ले कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि एक पॉजिटिव इमेज आप इंफॉर्मेशनली आवाम तक पहुंचा रहे हैं। गवर्नमेंट का अगर कोई जिक्र करें कि गवर्नमेंट का आप लोगों को कितना, जी गवर्नमेंट हैज बीन वेरी पॉजिटिव, मतलब मैं समझता हूं कि शुरू में जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह थी, अब गवर्नमेंट बड़ी पॉजिटिव है। जिस लेवल पे हम गवर्नमेंट से बात करते हैं सिर्फ पॉजिटिविटी नजर आती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीजें जो ये सिनेमाज आजकल प्रोवाइड कर भी रहे हैं, उससे भी आवाम एक नए लेवल पे जा रही है। जिस तरह अगर मैं एक आखिरी एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑडियंस के लिए अब आप आज की तारीख में जिस तरह आप cinepax.com वेबसाइट पे जाएं, सो आज की तारीख में आप अपना सिनेमा का टिकट, अपना क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड डाल के सीट नंबर तक कि मेरी 2F सीट है, ये मैं आज जाके, कि बिल्कुल आज हम इसको इस बात को सराहते हैं कि बिल्कुल आप जो हैं जितने भी सिनेमाज हैं वो यूरोप के तर्ज पर हैं, और उसी तरह आपको जिस तरह बाहर आपको स्क्रीन मिलती है। कभी मैं जब मैंने फर्स्ट टाइम एट्रियम देखा था, सबसे पहले आई थिंक एट्रियम ही आया था, तो मुझे बड़ा था, मुझे लगा कि मैं वहीं बाहर शायद कोई मूवी देख रही थी, और बहुत अच्छा, और उसी पे बड़े पैकेजेस वगैरह भी हमने बनाए थे और उन लोगों को बुलाया गया। बहुत शुक्रिया आशिम आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए और आपने तमाम चीज़ें और जो फैक्ट्स हैं क्लियरली वो आपने बताया। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आपको शुक्रिया अदा करते हुए नाजरीन को कि जो फिल्म इंडस्ट्री है पाकिस्तान में इस वक्त जिसका रिवाइवल हुआ है, ये एक इकोनॉमिक ड्राइवर है जिसको हमारी मईशत में एक बड़ा इसका किरदार है। इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट हुई, इससे लोगों में अवेयरनेस आई और सिनेमा को पहचाना कि हाँ सिनेमा ये होता है। और आज के दौर में आज की जो न्यू जनरेशन है वो भी सिनेमा तक पहुंची, वरना मैं समझती थी कि अगर वही हाल रहता तो शायद हम लोग जो हैं या हमारे आने वाले दौर के जो लोग हैं वो सिनेमा का रुख ही ना करते। और इंशाल्लाह आगे भी हम देखेंगे कि मजीद स्क्रीन जो हैं जिस तरह हाशिम ने भी बताया आएंगी, और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मूवीज़ भी हम इन स्क्रीन पर और ज़्यादा देखेंगे। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।